India Boys, आपकी सोच, आपकी आवाज। सहारनपुर में पुलिस 24 घंटे में दो दो मुठभेड़ों में बदमाशों के हौसलों को चकनाचूर कर चुकी है, लेकिन बदमाश पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि अंबाला रोड हाईवे पर बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप से 65,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं यहां पर इस वीडियो में कि किस तरीके से हथियार के बल पर यहां पर पेट्रोल पंप से लूट को अंजाम दिया गया है। तो आपने देखा कि ये व्यक्ति बाइक पर से उतरा, उसके हाथ में गन थी, उसने पेट्रोल कर्मी से कैश से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश की हथियार के बल पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद जुड़ चुके हैं। शरद, जिस तरीके से यहां पर हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया गया, क्या पुलिस के हत्थे ये बदमाश चढ़ गए हैं? यूपी में अभी की रात का एक चुकी पूरा मामला है। एक तरफ चौकी है पुलिस की, दूसरी तरफ थाना कुतुब शेर है, तो इस बीच में जो है लूट हो जाती है। लूट के बाद जो है दूसरे ढंग से जो है तमंचे के बल पर जो है सेल्समैन से जो है 65,000 रुपए जिस बैग में मौजूद थे वो छीन कर बदमाश भाग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रैकेट जो है वो वहां से चंद कदम की दूरी पर ही तैनात थी, उसके बावजूद भी जो है बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है। और एक हफ्ते में दूसरी पेट्रोल पंप पर लूट है। पहली देवबंद क्षेत्र में लूट हुई थी, मैनेजर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और 1,25,000 रुपए लूट कर भाग गए थे। तो एक हफ्ते के बाद तुरंत फिर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर दस्तक दी है और पुलिस को खुली चुनौती देने का काम भी जो है वो बदमाश लगातार कर रहे हैं। जी शरद, जिस तरीके से इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि बड़ी ही सहजता से ये लोग बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, किसी को भी ये अंदेशा नहीं होता कि इस तरीके से हथियार दिखाकर इनसे लूट कर ली जाएगी, लेकिन बड़ी ही प्लानिंग के साथ पर यहाँ पर ये दोनों बदमाश आए। क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किसी भी कदम में आगे बढ़ पाई है पुलिस, क्योंकि बाइक का नंबर है या तमाम ऐसी चीजें जो सबूत के तौर पर ली जा सकती है? देखिए, बाइक पर नंबर नहीं था, बिना बाइक के नंबर थी। और क्या नाम, अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से बदमाशों ने हेलमेट लगाया हुआ है, दोनों बदमाशों ने हेलमेट लगा हुआ आप देख रहे हैं, और तमंचा निकाल कर जो है सेल्समैन से जो है सीट पर रखा गया है। उसके बाद एक बात तो सीसीटीवी कैमरे में ये भी दिख रहा है कि सेल्समैन उलझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तमंचा देख कर जो है वो दूर हट गए, पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की है, इन तस्वीरों में, इस वीडियो में आप खुद देख पा रहे हैं। इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।